हमारे पास एक और क्वेश्चन है गेट 2014 का, वन मार्क्स। सो ये क्या है, बायोट नंबर सिग्निफाइज द रेशियो। सो बायोट नंबर समझने के लिए पहले हमें इसका यूज समझना होगा। सो बायोट नंबर का यूज होता है लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस के लिए। और लम्प्ड पैरामीटर कहाँ यूज होता है, अनस्टडी स्टेट हीट कंडक्शन प्रॉब्लम। जैसे ज़ूम कर लेते हैं, ये एक बॉडी है जिसका सरफेस एरिया ए है, सेंटर पे टेम्परेचर सी है, सरफेस पे टेम्परेचर टी एस है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी के है, और जो बाहर इसके अराउंड जो फ्लूड है एयर है उसका कन्वेक्टिव हीट कोएफिशिएंट एच है, बाहर का टेम्परेचर टी इन्फिनिटी है। सो क्या हो रहा है, अनस्टडी में क्या होता है, जितनी हीट ट्रांसफ़र हो रही है सेंटर टू सरफेस वो सारी वो नियरली इक्वल टू जो हमारा सरफेस से एयर के अंदर ट्रांसफ़र हो जा रही है। अगर स्टडी स्टेट होता तो वो एग्जैक्टली इक्वल होती, पर वो नियरली हो रही है। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, के ए टी सी माइनस टी एस अपॉन एल सी। एल सी यहाँ पे है करेक्टरिस्टिक लेंथ, नियरली इक्वल टू एच ए टी एस माइनस टी इन्फिनिटी। ए सेम है यहाँ पे, जो के है वो इस मटेरियल का है क्योंकि इस हीट किसके अंदर ट्रांसफ़र हो रही है, मटेरियल के अंदर, और फिर सरफेस से बाहर फ्लूड जो भी फ्लूड प्रेजेंट है उसके। सो यहाँ से अगर हम रेशियो लेते हैं किसका, टी सी माइनस टी एस अपॉन में टी एस माइनस टी इन्फिनिटी नियरली इक्वल टू एल सी बाई के। ये भी नॉन डाइमेंशनल है, ये भी नॉन डाइमेंशनल है, और इस नॉन डाइमेंशनल को बोलते हैं बायोट नंबर। अगर हम इसको, ये बायोट नंबर है, अगर हम इसको बायोट नंबर को अगर हम इस टाइप से देखें के बाय एल सी बाय के अपॉन वन बाय एच, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इंटरनल और कंडक्टिव रेजिस्टेंस या कंडक्शन रेजिस्टेंस। और ये कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। सो कंडक्शन रेजिस्टेंस किसका है, ये सॉलिड जो हमारा सॉलिड पार्ट है, और ये जो बाहर है वो फ्लूड। एक्चुअली ये सिग्निफाई करता है किस रेट से हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होती है रेशियो, और किस रेट से हीट सरफेस टू जो बाहर का फ्लूड है उसके अंदर ट्रांसफ़र होती है। सो अगर हम यहाँ पे देखें, पहला ऑप्शन है कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूड टू कंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सॉलिड, रेशियो ऑफ कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस टू फ्लूड। सेकेंड ऑप्शन है कंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सॉलिड टू कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूड, हमारा क्या था, कंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सॉलिड टू कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। सो आंसर क्या है इसका, बी।